यार एक आज मैंने अभी एक न्यूज देखा था, पेपर में तो नहीं गूगल पे देखा था, कि नेक्स्ट टाइम से जो मेंस का पेपर होगा वो एंटी नहीं कराएगा। ये पता नहीं कौन सी कोई एजेंसी है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, सीट पर हूं मैं, वो करवाएगा। मतलब मैं तो इतना खुश हुआ कि चलो ठीक है, कम से कम एंटी तो गया, क्योंकि जब से एंटी आया है तब से इंजीनियरिंग फील्ड में पता नहीं क्या क्या मतलब एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। सही बताऊं एक्सपेरिमेंट कैसे, जैसे पहले ट्वेल्थ का वो लगा दिया जेई में कि ट्वेल्थ में 75% होना चाहिए या फिर टॉप 20% होना चाहिए। सुनो नीट में तो ऐसा नहीं है, आप ट्वेल्थ में फेल भी हो जाओ वापस हो जाओ, जैसे जैसे थर्ड डिवीजन वगैरह आप नीट दे सकते हो, वहां कोई रूल नहीं है, वहां पर अनलिमिटेड चांस है। हमारे यहाँ पर सिर्फ दो ही, जिसमें एक तो ट्वेल्थ के साथ, अब उसको क्या काउंट करें, ठीक है क्या क्या बोला। अच्छा और उसके अलावा लास्ट ईयर जब कोरोना था तो एक बार कराना था सेफ्टी के लिए, तो 4 बार कराया। ये किसका दिमाग था, उसको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मजाक नहीं कर रहा, मैं तो दे चुका हूं उसको नोबेल प्राइज मेरी तरफ से। ऐसा कितना समझदार रहा होगा वो, जब ये मतलब एक तरफ तो ये कह रहे थे कि ट्वेल्थ का एग्जाम होना ही नहीं चाहिए, एक तरफ तो ये था, और ट्वेल्थ का एग्जाम हुआ भी नहीं। लास्ट ईयर कहां हुए थे ट्वेल्थ के एग्जाम, नहीं हुए थे, सब किस्मत वाले आए थे। और उसके बाद मतलब ट्वेल्थ के एग्जाम तो कैंसिल करा दिए और मेंस के पेपर 4 बार हो गए, पता ही किसका दिमाग था। इस बार भी 2 बार हो गए, अच्छा एक बार होना चाहिए 2 बार, हर बार ऐसा कोई है जो 10 बार होना चाहिए, 10 बार होना चाहिए जिंदगी भर यही पेपर देते रहो ना, और क्या देते रहो आराम से। कंपटीशन मेरी बात समझना, अगर तुम्हें ये लग रहा हो, सुनो मेरी बात, अच्छा एक बात बताओ, एक सेकेंड, मतलब कितना अजीब सी बात है, अगर मैं बिल्कुल लोगों की बात करूं तो ऐसे मान लीजिए कोरोना वगैरह नहीं होता, तब फर्स्ट अटेम्प्ट कब होता था, जनवरी में, कब होता था जनवरी में, सुनना मेरी पूरी बात, मतलब कितना तगड़ा उन्होंने दिमाग कैसे लगाया, किसने लगाया, ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में, सेकेंड अटेम्प्ट अप्रैल में, यही होता था, और फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ट्वेल्थ होता था, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद फिर ट्वेल्थ का पेपर, यही होता था ना कोरोना से पहले, ठीक है। और जेई मेंस का सिलेबस क्या होता था, 11th and 12th, आपने सिलेबस 11th 12th का दे दिया। अच्छा 12th का सेशन कब शुरू होता है, अप्रैल का हुआ, मई जून की छुट्टी भी तो आ जाती है स्कूल में, तो सेशन तो जुलाई से शुरू होता है। अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट कब, जनवरी में, जुलाई से कैलकुलेट करो जनवरी तक, जनवरी तो नहीं दो दिसंबर, कितना टाइम मिला, 6 महीने। ऐसा कौन सा होगा जिसका 6 महीने में 12th का सिलेबस पूरा हो जाता है, ऐसा कौन सा स्कूल होगा, हालांकि करा तो देते हैं, करा तो देते हैं, लेकिन टाइम कितना चाहिए, फरवरी तक का, अरे ट्वेल्थ की उसको पढ़ाई तो करने दो कम से कम, आप जो सिलेबस उसको कह रहे हो कि 11th और 12th का, ठीक है 11th वो पढ़ चुका है, 12th तो पढ़ेगा, 12th में आकर ही तो पढ़ेगा, तो 12th का सिलेबस कब होना चाहिए तरीके से देखा जाए तो फरवरी तक, बोर्ड के एग्जाम कब होते हैं मार्च में, तो फरवरी तक सिलेबस हो, आप पेपर कब ले रहे हो जनवरी में, सिलेबस उसका हो नहीं रहा, टाइम उसको दे नहीं रहे, और टेस्ट आप, असल लॉजिक है कि नहीं बात में, मतलब जो स्टूडेंट कहीं पर छोटे से गांव में पढ़ रहा हो, कोचिंग वगैरह ना कर रहा हो, जरा उसको सोचो वो कैसे करेगा, उसके तो सिलेबस, वो तो ट्वेल्थ वाले ट्वेल्थ के हिसाब से कराएंगे सिलेबस, उनको क्या मतलब मेंस वगैरह से, बोलो बात लॉजिकल है कि नहीं है। अरे ट्वेल्थ जो भी कंपटीशन है, अगर ट्वेल्थ के बाद का है तो ट्वेल्थ के बाद कराओ ना, पहले उसके ट्वेल्थ में उसको परफॉर्म तो करने दे एक बार। अच्छा नीट में ये सही है, नीट में पेपर पहले ट्वेल्थ का पेपर होता है, बच्चा पूरा ट्वेल्थ पढ़ेगा और उसका सिलेबस, अच्छा बताइए तुमने चलो मेंस भी पढ़ना शुरू करा तो क्या मेंस का सिलेबस जनवरी तक हो जाएगा, हो तो जाता है लेकिन कितना फास्ट होता है, फिर वो दिसंबर तक कराना होगा जल्दी से सिलेबस शुरू होगा। कहने का मतलब ये है, मेरा मेरा जो मानना है कंपटीशन, अच्छा फाइनल मैच कितना होता है, फाइनल एक ही, क्यों 2 बार कराओ ना फाइनल, अरे 2 बार कराओ भाई, अभी आईपीएल आने वाला है, सेमीफाइनल होगा उसके बाद फाइनल भी 2 बार, 2 बार नहीं 4 बार कराओ,
फिर निकाल लो वहां पर परसेंटाइल, कौन से टीम ने कौन सा, मजा आएगा क्या? अरे फाइनल अगर एक होगा तो ही तो क्रेज होगा। ये भी तो देखो, चार चार बार एग्जाम, दो दो बार एग्जाम, एक ट्वेल्थ के पहले, एक ट्वेल्थ के। अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है कि दो बार होना चाहिए? क्यों, एक बार थोड़ा देख ले पेपर कैसा आता है ना, मतलब यही देखने के लिए। और कितना पढ़ना पड़ रहा है ये तो देखो, पेपर एक एक बार हो जाए बात खत्म। जिसका होना, जो पढ़ेगा उसका होगा, जो ना पढ़ेगा उसका नहीं होगा। और एक पेपर वो भी ऑफलाइन, एक पेपर वो भी ऑफलाइन, बिल्कुल जेन्युइन रिजल्ट। जैसे जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे उसको उतने ही नंबर मिलेंगे। या सुनाओ, अभी ऑनलाइन में आप 10-10 पेपर करा रहे हो, एक अभी मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ, एक इवनिंग में, कल फिर मॉर्निंग, फिर इवनिंग, अलग अलग पेपर। अब पेपर ही अलग अलग, देने वाले स्टूडेंट अलग अलग, कब किस केस में कितने टॉपर। अच्छा 10 पेपर होंगे, 10 टॉपर तो वैसे ही सामने आ गए। अब 10 पेपर में कैसे रैंक डिसाइड करोगे, कैसे डिसाइड करोगे, सही कराओ नहीं कराओ? अब वो उन्होंने पता नहीं कौन सा फॉर्मूला बना रखा है, उस फॉर्मूले से पता नहीं कैसे वो, मतलब मेरा तो जैसे ही मैंने वो पढ़ा कि ये इस बार अब पेपर एनटीए नहीं कराएगा, मैंने भगवान से यही प्रे करा कि भाई अब जो भी एजेंसी आए वो ये सोच, मतलब वहां पर जो हेड हो वो मेरा जैसा सोचने वाला हो। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इतना मेहनत कराने की जरूरत क्या है? नहीं मैं तो अब उनको, मैं एचआरडी में मेल तो करूंगा, मैं तो करूंगा अपनी तरफ से, माने ना माने उनको सोचना है। तुम लोग भी अगर तुम्हें लगता है तो करो मेल एक बार। अच्छा नीट में होता है कि नहीं होता एक बार, क्या दिक्कत? अच्छा क्रेज भी है, एक बार पेपर होगा बात खत्म। अच्छा बोर्ड का पेपर भी तो एक ही बार होता है, वो दो बार क्यों नहीं होता? कराओ ना, अगर दो बार अच्छा है तो दुनिया के सारे पेपर दो बार होने चाहिए। फिर एक बार से पता है क्या होगा, बच्चे को पढ़ने का पूरा टाइम मिलेगा, बच्चे को पढ़ने का। अच्छा सोचो अब होता क्या है, जैसे 13 वाले, इनका पेपर कब होगा? जुलाई में होगा। सेकेंड अटेम्प्ट कब होगा? जुलाई में। अब वो नया एडमिशन कब लेंगे? जुलाई के बाद। और उधर से नेक्स्ट जनवरी में पेपर आ जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट। अब बताओ सिलेबस कब होगा? मतलब टेस्ट तो आप लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, पढ़ने का टाइम दे ही नहीं रहे कितना। मतलब मुझे तो अजीब सा लगता है, नीट वाला फंडा बेस्ट, नीट वाला फंडा, साल भर में एक ही पेपर, एक ही पेपर हो वो भी ऑफलाइन, बात खत्म, कोई टेंशन नहीं। चलो खेल जो भी हो, देखते हैं क्या होता है इस बार। अच्छा आप बताओ पेपर एक बार होने